दोस्तों यकीन मानिए, मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, क्योंकि आज हो सकता है सबे बारात है इसलिए, वरना मैंने इससे ज़्यादा भीड़ पहले नहीं देखी जामा मस्जिद में। चारों तरफ आप देखेंगे, ये देखिए, दिखा आपको लग रहा हो जामा मस्जिद है, पर जामा मस्जिद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद, और इस वक्त जो मैं हूँ वो राजघाट की तरफ हूँ, क्योंकि मैं बस में था, पर लेकिन असर की वक्त नमाज का वक्त हो गया था, और अभी इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है फिर जामा मस्जिद भी, तो इसलिए मैं उतर गया। अब मैं इस टाइम राजघाट की तरफ ही हूँ, तो पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद मैं जामा मस्जिद के लिए निकलूँगा। अभी मैं दिखा दूँ मैं आपको जगह, ये देखिए, ये राजघाट की तरफ का रोड जो है, उसी के पास में ये बगल में एक पार्क है, और पीछे जो आपको मस्जिद दिख रही होगी दोस्तों, उसी मस्जिद में जा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगा, फिर मैं जामा मस्जिद के लिए निकलूँगा। दोस्तों जो ये वाला आप रोड देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी मार्ग है, इसी रोड पे आपको राजघाट दिख जाएगा। चलिए मैं मस्जिद तक लेके चलता हूँ। और वैसे तो दोस्तों मैंने 50 का पास बनवा लिया है ये, पर लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि आप अगर दिल्ली में सफ़र करते हैं तो आपको ब्लू कलर की 2 कलर की बस मिल जाएगी, मतलब ब्लू कलर की बस होगी, उसमें AC की भी होती है और क्लस्टर भी होती है। AC वाले में जो है डेली पास चल जाता है, पर जो क्लस्टर वाली होती है जिसमें 50 वाला पास नहीं चलता है, उसमें देख लेना, पर लेकिन उसमें ब्लू वाली में AC भी होती है, तो देख सकते हैं। मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मैंने जब पूछा तो ये 50 वाला पास जो मेरे पास है ये AC वाली बस में चल जाता है। ये है दोस्तों घट्टा मस्जिद रोड, चलते हैं। तो दोस्तों अल्लाह के करम से मैंने नमाज़ पढ़ ली है इसी मस्जिद में, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है दोस्तों, पहली बार देखी मैंने, घटा मस्जिद नाम है इसका, दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये देखिए, ये इसका अंदर का एरिया है, इसके अंदर भी एक पार्ट है वो। देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये भी। हम बाहर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मस्जिद है, आपको लग रहा हो जामा मस्जिद है, पर जामा मस्जिद नहीं है, घटा मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इसी के पास ये वजू खाने हैं, पर ये बंद हो रखा है पूरा, वजू खाने के लिए ये बना रखा है यहाँ पे। पहली बार देखी मैंने इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पे, जामा मस्जिद को छोड़ के, अब देख सकते इसी में मैंने नमाज़ पढ़ी है सर की भी, और उसके बाद चलेंगे फिर जामा मस्जिद। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी मस्जिद है, तो चलिए सर की नमाज़ तो पढ़ ली हमने, अब मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह जामा मस्जिद में पढ़ेंगे, तो निकलते हैं। दोस्तों अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे ना, तो उस मस्जिद का नाम है जीनत उल मस्जिद, और वो जो रोड था वो घटा मस्जिद का रोड था, और मेन रोड जो था वो महात्मा गांधी मार्ग था, उसी महात्मा गांधी मार्ग पर ही राजघाट है। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों जामा मस्जिद के लिए, और एक चीज़ और, जो जामा जो घटा मस्जिद है, जीनत उल मस्जिद है, वो दरियागंज में दिखाते हैं, और बाहर निकलेंगे तो महात्मा गांधी रोड ही आ जाता है, और जो रोड था वो घटा मस्जिद का रोड था। अब मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद के लिए। तो जो आप ये वाला रास्ता देखेंगे, ये जा रहा है लाल किले के लिए, और ये वाला जो जा रहा है ये ITO के लिए जा रहा है दिल्ली गेट। वहाँ पर आप देखेंगे सुनहरी मस्जिद है, और उस सुनहरी मस्जिद के पीछे ये लाल किला, तो पीछे आप जो देखें वो लाल किला है, और ये सामने है सुनहरी मस्जिद, और सीधे जो रोड जा रहा है इसी के लेफ्ट में जामा मस्जिद पड़ेगा, और ये पूरा किला ही है लाल किला। ये है जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन, और थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि मगरिब की नमाज का भी टाइम हो रहा है। भीड़ देखिए दोस्तों कितनी है, क्योंकि सबे रात भी आज, तो देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है। देखिए वो है जामा मस्जिद, और ये जो पूरा है ये है मीना बाजार, जामा मस्जिद के सामने लगता है ये सारा मीना बाजार है दोस्तों, जामा मस्जिद के सामने लगता है वो, देखिए वो है जामा मस्जिद बाजार है मीना बाजार, जामा मस्जिद का काफ़ी पुराना बाजार बताते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
सामने आपको जामा मस्जिद मिल जाएगी। इतनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है जामा मस्जिद, देख सकते हैं। 205 मिनट रह गए मगरिब की नमाज के लिए, चलते हैं जल्दी। और ये जो पूरा मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये मीना बाजार है जामा मस्जिद के सामने लगता है, पूरा मीना बाजार है। आप लोग भी आके शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी भीड़ है, सबे बारात भी आज। चलते हैं जल्दी से और मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, अजान होने वाली है बस। दोस्तों जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, वो मौलाना आज़ाद का मकबरा है, जो पहले एजुकेशन मंत्री थे। तो दोस्तों फाइनली आ गया मैं जामा मस्जिद, और अभी जस्ट मैंने अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। अभी जामा मस्जिद में आप देख रहे हैं अभी भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जस्ट मैंने अभी पढ़ी नमाज। और अल्लाह का शुक्र है कि दो मस्जिदों, जो बड़ी मस्जिद है उनमें नमाज़ पढ़ने की मुझे तौफीक दी। और एक गठा मस्जिद है जिसमें मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, और ये मगरिब की नमाज़ जो है मैंने जामा मस्जिद में पढ़ी है। आज देखा तो आपको भीड़ कितनी है, देखिए प्रातः भीड़ देखिए कितनी है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, देखिए देख सकते हैं अंदर लोग अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी भीड़ है, सबे बारात हैं इसलिए। दोस्तों सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी कुछ आ रखे हैं। वैसे तो कोई एंट्री मना नहीं है किसी के आने का, सभी आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, ये देखिए कितनी भीड़ है। और यह है वजू बनाने के लिए, और पीछे आप जो देख रहे हैं जामा मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये उनके गेट हैं, तीन गेट हैं, इसके सामने जामा मस्जिद है, राइट हैंड पे भी ये गेट है, और सामने जो है ये मेन गेट है इसका। और वजू बनाने के लिए दो जगह है, एक इस जगह है तालाब जो दिख रहा है, ये वजू बनाने के लिए है, और दूसरा वहाँ सामने आप देखेंगे वहाँ भी वजू बनाने के लिए है। और यहाँ पे अंग्रेज भी आ रखे हैं, ये देखो सबे बारात वाले दिन ही। दोस्तों यकीन मानिए मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी है, क्योंकि आज हो सकता है सबे बारात है इसलिए, वरना मैंने इससे ज़्यादा भीड़ पहले नहीं देखी जामा मस्जिद में। चारों तरफ आप देखेंगे, ये देखिए ये दिखा, पूरा मस्जिद जो है पूरी भरी पड़ी है, और लोग आते जा रहे हैं काफ़ी, देखिए देख सकते हैं। और अंदर लोग हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं मगरिब की, काफ़ी भीड़ है आज, सबे बारात है इसीलिए काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं आप। दोस्तों अंदर तो भीड़ है ही, बाहर देखिए कि बाहर कितनी भीड़ है, दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर ही इसका मेन गेट है, और ये देखिए भीड़ कितनी है, भीड़ देख सकते हैं आप, बाहर है ये, अंदर तो बहुत भीड़ है। ये देखिए और दिखाता हूँ अभी जो सीढ़ियाँ हैं जामा मस्जिद की, देखिए जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ दिखा आपको, ये देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ भीड़ भीड़ दिख, सामने मीना बाजार है देखिए, और बिल्कुल सामने देखेंगे पीछे की तरफ वो लाल किला है। और दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं लाइट जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको, वहाँ पे एक दरगाह है, वैसे दो दरगाह बताते हैं, वहाँ पे काफ़ी फेमस दरगाह है, काफ़ी पुरानी दरगाह है, बताते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं लाइट, उसी के पीछे एक मस्जिद और है, और इसके पीछे दोस्तों टॉम बताते हैं मौलाना आज़ाद का, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसके पीछे जो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे बताते हैं। बाकी आप व्यू देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये दरगाह जो मैं बोल रहा था, दो दरगाह यहाँ पे, दो दरगाह यहाँ पे, देखिए दोस्तों ये मस्जिद है जो मैं बोल रहा था, ये मस्जिद है, ये पूरा बाजार ही लगा हुआ है। और मैं जब मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ, मार्केट में घूम रहा हूँ, मार्केट देख रहा हूँ, ये मार्केट है पूरी, ये मस्जिद है, कितनी भीड़ है चारों तरफ, जो देखें भीड़ देखिए कितनी है, ये मीना बाजार है,
उसके सामने जामा मस्जिद है। यह है दोस्तों राबिया मस्जिद, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अब सुबह बरात वाले दिन दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ अपने यहाँ पे जामिया हमदर्द के पास। अब यहीं पे इबादत करेंगे। तो दोस्तों जामा मस्जिद से मैं आ चुका हूँ और मेरे घर के पास में एक मस्जिद है जामिया हमदर्द में, राबिया मस्जिद। अब बाकी की जो इबादत है वो यहीं करेंगे हम लोग जामिया हमदर्द में। इशा की नमाज मैं पढ़ चुका हूँ। अब ये था जो ब्लॉग था, ये सब बरात का था जामा मस्जिद से। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।